के साथ ही मैच के पहले हाफ का बकायदा आगाज हुआ। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला 9-11 और 5-11 के मैदान। फाइनली आज के हमारे मैच के मेहमान खुसूसी आ चुके हैं जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, क्या हाल चाल है पापा जी? अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज के मेहमान आ चुके हैं जी, आ जाओ जी। मेहमान आए हैं हमारा मैच देखने के लिए, माशाल्लाह। ये रावलपिंडी से मेहमान आया जी। इस वक्त ये मैच कंप्लीट हो चुका है। 9-11 ने ये मैच जीत लिया प्लंटी स्ट्रोक से और अभी सरमनी होगी। बेस्ट प्लेयर मैन ऑफ द मैच टुडे मोहम्मद फजील, क्लैपिंग। विनर ट्रॉफी जी 9-11 दे कप्तान केड़ा जी। आओ जी सकलैन भाई, यशर साहब तुसी भी आज, उमर भाई तुसी भी आज। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक हमीद, आप देख रहे हैं यंग फाइटर हॉकी क्लब 5-11 राजियांवाला। और आज का मैच था जी फ्रेंड्स हॉकी क्लब के मबैन यंग फाइटर हॉकी क्लब ने खेला है और इसमें 9-11 ने फ्रेंड्स हॉकी क्लब ने ये मैच जीत लिया। तो इनके हम टीम कैप्टन से बातचीत करते हैं कि इन्हें कैसा महसूस हुआ आज का मैच खेलकर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अली रजा। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अली रजा भाई, क्या कहना चाहेंगे, आज का मैच आपने जीता है माशाल्लाह, आपको सबसे पहले मुबारक हो, बहुत बहुत माशाल्लाह आपने मैच जीता, और आप क्या कहना चाहेंगे? सर माशाल्लाह से टीम ने बहुत प्रैक्टिस की है, माशाल्लाह से आज प्रैक्टिस नजर आई है टीम में ग्राउंड में, और माशाल्लाह से आपने सबने भी बहुत अच्छी गेम की है। जी जी। और हमारी टीम रेगुलर गेम कर रही है, माशाल्लाह से रेगुलर टाइम दे रही है ग्राउंड जी जी, और आज वो सारी गेम नजर आई है माशाल्लाह, और विन किया अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह जबरदस्त विन किया जी जी, गुड माशाल्लाह। अशर भाई माशाल्लाह टीम के मेन सीनियर प्लेयर हैं। अशर भाई इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज इनकी टीम ने माशाल्लाह बहुत ही कामयाबी के साथ ये मैच जीता है। तो अशर भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? बहुत अच्छा मैच होया जी, आईदा जी जी, जबरदस्त होया। इस तरह खेलते रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे, आगे भी जा सकते हैं जी जी। आज का मैच बहुत बेहतरीन होया जी। उमर जट भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी माशाल्लाह टीम के फ्रेंड्स हॉकी क्लब के बहुत सीनियर प्लेयर हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं, ये क्या कहना चाहेंगे। जी उमर भाई आप क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा मैच हुआ है दोनों टीमों की जानिब से, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली हैं जी, तो इंशाल्लाह इसी तरह खेलते रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी चौधरी अरसलान, ठीक है, इनसे पूछते हैं कि आज का मैच इन्होंने कैसा देखा है। जी अरसलान भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा मैच हुआ जी, दोनों टीमें बहुत अच्छी थी, लेकिन हम जिस तरह देख रहे पिछले मैचेस हुए हैं 9-11 की टीम बहुत लूज़ कर रही थी, 3-4 गोल से लूज़ कर रही थी, लेकिन जिस तरह राजा लीम ने आगे सपोर्ट की है वो टीम जो है बराबर खेली है, बाद में पेनल्टी स्ट्रोक जो होते हैं वो तो 50-50 चांसेस दोनों टीमों के लिए। बहरहाल बहुत अच्छा मैच हुआ, और मैं ये इसका जो सारा जो है क्रेडिट जाता है मलक हमीद को कि उसने इतना अच्छा मैच ऑर्गेनाइज़ किया, और रावलपिंडी से गेस्ट बुलाए उन्होंने, बहुत अच्छा मैच हुआ जी। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरह जो स्पोर्ट्स या ग्राउंड्स है जो बाहर रहने चाहिए, कोरोना वायरस आ रहा है, लेकिन हमने खुद को सेफ करके मास्क वगैरह पहन के जो है ग्राउंड की तरफ आना, एक्टिविटी को इस तरह जारी रखना। सर को मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि आप अपने घरों में जो हैंड वॉश यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, मास्क पहन के जो अपने दोस्तों में गैदरिंग में जाएँ, ताकि आप कोरोना जैसी वबा से मुझी वबा से आप बच सकें, और अपनी जिंदगी जो रोजमर्रा रूटीन के काम है इस तरह उसको आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे ग्राउंड में होम ग्राउंड में आए हैं, ठीक है। तो इस आज के लिए यही, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, साथ हमारे चैनल को हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने भाई मलक हमीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।